हरे कृष्णा, हम बता रहे थे अर्जुन और आज के बच्चों की स्थिति, पैरेलल्स अर्जुन के लाइफ में और हमारे लाइफ में समांतर रेखाएं कौन कौन सी हैं। अर्जुन लड़ाई नहीं करना चाह रहे थे और हम पढ़ाई नहीं करना चाहते, तो भगवान ने उसको कैसे समझाया। जब हम पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ने के समय हमको खाना क्या खाना चाहिए, व्हाट फूड डू शुड वी टेक इन आवर लाइफ, खाना कैसा होना चाहिए। कहते हैं आयु सत्व बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदय आहारा सात्विका प्रिय। खाना जो होना चाहिए वो रस्या, उसमें रस की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए, मतलब पानी रस की मात्रा, मतलब लिक्विड की मात्रा ज़्यादा होना चाहिए। स्निग्ध, स्निग्ध का मतलब देसी गाय का तूप। स्थिर का मतलब खाना बनने के दो तीन, तीन से चार घंटे के अंदर, तीन घंटे के अंदर खा लिया जाए, वो है स्थिर, स्थिर खाना। खास करके पढ़ने वाले बच्चों को फ्रेश खाना चाहिए। और हृदय, खाने का जो टेस्ट है वो इतना ही नहीं, यहाँ तक आना चाहिए, वाह, खाने के बाद ये वाह का आना चाहिए। ये है, ये खाना खाने से आपका दिमाग फास्ट चलेगा, इस कैटेगरी में अगर आपका खाना है। खाने की कैटेगरी दो क्या है, कड़वा, काफ़ी तीखा, काफ़ी गर्म, जो जीभ जला दे, या खाने के बाद शरीर को जलाए, शरीर को गर्म करे, खूब खट्टा, खूब मसालेदार, चटक पटक तेल वाला, ये जो खाना है रजोगुनी है। और ऐसे खाने खाने से हमारा मन विचलित होगा और शरीर में बीमारी आ जाएगी। तो कहते हैं ये खाने को थोड़ा कम खाया करो। और तीसरे तरह का खाना है यात यामम गत रसम, बासी हो जाए, जो जिसका टेस्ट चला जाए, कौन सा खाना भी ऐसा, पैक फूड। पैक फूड जो है 6 महीने पहले पैक हुआ है, उसका सारा टेस्ट खत्म हो गया है, उसको प्रोसेस कर दिया गया, प्रोसेस करने से उसका टेस्ट चला चुका है, न उसमें तत्व है, केवल उसमें तेल है और कैलोरी है। तो कहते हैं ऐसा खाना पढ़ने वाले बच्चों को नहीं खाना चाहिए, किसी को भी नहीं खाना चाहिए, लेकिन पढ़ने वालों को तो एकदम नहीं खाना चाहिए। तो ये जो तीसरे कैटेगरी का खाना है, जंक फूड, फास्ट फूड, पैक फूड, चाइनीज फूड, रास्ते के जो ठेले वाले जो गर्मा गर्म आपको मसालेदार चटक पटक बना के खिला रहे हैं, वो फूड, ये सारे फूड आपको अवॉइड करने चाहिए पढ़ते समय। क्योंकि खाना ऐसा होना चाहिए कि तुरंत पच जाए, और तुरंत पच जाए तो खून जो है पेट से चला जाएगा दिमाग में, और दिमाग चाहिए तेज, है ना, और दिमाग तेज होना चाहिए। अगर खून यहाँ नहीं जाएगा तो खून नीचे चला जाएगा घुटनों में, थोड़ा इधर थोड़ा इधर। तो पढ़ने वाले बच्चों को दिमाग के अंदर खून होना चाहिए, उसके लिए खाना सात्विक होना चाहिए, रसीला, स्निग्ध, स्थिर और हृदय, हृदय को टेस्ट आने वाला। धन्यवाद।